हेलो फ्रेंड्स, मैं रजकांती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम नेट और कपड़े का बोट नेक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमने नेट फैब्रिक हाफ मीटर लिया है और देखिए जो जो लाइनिंग के कपड़ा है उसे हम दो फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, हमने पहले इसे बरोबर कटिंग कर लिया है ताकि इधर उधर नहीं हो। तो देखिए, कपड़े का हम लेंथ इसका लेंगे, ब्लाउज लेंथ लेंगे 13.5 इंच, क्योंकि फिटिंग मार्क है 12.5, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और देखिए, शोल्डर हमारा 6.5 इंच है और आर्म होल हम 7 इंच रखेंगे, क्योंकि इस ब्लाउज को हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो देखिए, 32 इंच इसका चेस्ट है तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और कमर है इसका 28 इंच, इसका चौथा भाग हम 7 इंच रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा टॉक्स के लिए लेंगे। और 1.5 इंच पर हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हम 1/2 इंच तिरछे लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे आपका फिनिशिंग है जो बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए हम यहाँ पर तिरछे 1/2 इंच रखेंगे। और आर्म होल का गोलाई हम 1.5 इंच पर देंगे और इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए, पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम दूसरा पार्ट को भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हम 1/2 इंच, ये फ्रंट पार्ट है तो इसे हम 1/2 इंच मार्क करेंगे। तो देखिए, वैसे ही हम चौथा भाग इसका 8 इंच पर मार्क करेंगे, 32 इंच चेस्ट है तो वैसे ही हम कमर लेंगे 7 इंच, क्योंकि 28 इंच मेरा कमर है, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच हम प्रिंसेस कट के लिए लेंगे। तो देखिए, ऊपर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच प्रिंसेस कट के लिए लेंगे। तो चलिए, इसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच तिरछा लेंगे और इसे हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर ऐसे ही हम वीडियो लाती रहती हूँ। तो देखिए, इसका नेक विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच और इसका लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और नीचे से भी हम इसका 3.5 इंच ही रखेंगे और इसे 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। फिर हम 3.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका लंबाई प्रिंसेस कट के लिए हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और 3.5 इंच पर और ऊपर से 5.5 इंच पर एक मार्क लगानी है। और जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, यहाँ हाथ चाहिए इसे हम अच्छे से फिनिशिंग से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसे हम कटिंग कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम गोलाई में कटिंग कर देंगे।
तो चलिए नेक को भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट के भी नेक विड्थ हम 3.5 इंच रखेंगे और एक मार्क हम 3.5 इंच पर लेंगे लंबाई इसका। तो देखिए पूरा बैक का नेक हम 10 इंच रखेंगे। और 2 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। तो चलिए इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरी को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है और इसे हम कटिंग कर देंगे। तो इसे हम नेट फैब्रिक पर भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हम नेट फैब्रिक को 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए ऐसे हम दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। तो चलिए बाजू हम पहले कटिंग करते हैं। तो बाजू का लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच और इसका चौड़ाई है 9 इंच। तो एक मार्क हम 2 इंच पर लगाएंगे और इसका मोह 5.5 इंच रखेंगे। तो ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने बाजू को कटिंग कर लिया है, इसे बीच में एक कट लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने नेट फैब्रिक और कपड़े को कटिंग कर लिया है। तो चलिए हम मशीन पर चलते हैं। तो देखिए गले के लिए हमने उरेबी पट्टी कटिंग किया हुआ है। तो चलिए इस पर हम सिलाई पहले अटैच करते हैं। आप गले को हमेशा उरेबी पट्टी से ही बनाएं। तो चलिए इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और एक हम ऊपर से सिलाई अटैच करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे और 1 फोल्ड करके इस पर हम सिलाई अंदर की तरफ से अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने गले को बना लिया है। तो उसी तरह हम बैक पार्ट को भी गले को बनाएंगे। तो बैक पार्ट को गले बनाने के लिए हम पहले नेट फैब्रिक पर ही रख के सिलाई अटैच कर देंगे। वैसे ही आपको इस तरीके से बनाने में बहुत ही आसान होगा क्योंकि हम नेट फैब्रिक पर बुकरम से गले को नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम इसी पर रख कर गले को बनाएंगे। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे भी हम कटिंग कर देंगे। और इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा गला बन जाएगा।
और ऊपर से भी वन फोल्ड करके हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही पूरे गले में ऊपर से सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही हम दूसरा पार्ट को भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों पार्ट को बना लिया है। तो चलिए इसे हम पहले ज्वाइंट करेंगे और बाजू को भी हम इसे वन फोल्ड करके सिलाई को अटैच कर देंगे। तो देखिए जो मेरा नेक है उसे हम बनाएंगे पहले। और इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे भी हम अंदर की तरफ से एक सिलाई अटैच कर देंगे ताकि अच्छे से वो ज्वाइंट हो जाए। इस तरीके से आपका फिनिशिंग है जो बहुत अच्छा से आएगा। तो चलिए इसे भी हम अनफोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो पहले इस पर हम ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे। तो देखिए वन फोल्ड करके फिर सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने गले को बना लिया है और इस पे जो हमने नेट फैब्रिक को बनाया हुआ उसे बीच में एक कट्स लगा देंगे और इसमें भी बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसी अनुसार हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसे हमने ज्वाइंट कर लिया है। और इसमें हम प्रिंसेस जो पार्ट है उसे भी हम ज्वाइंट कर देंगे। आपको प्रिंसेस कट को नीचे से ही ज्वाइंट करना है, ऊपर से बिल्कुल नहीं ज्वाइंट करनी है क्योंकि हम ऊपर से ज्वाइंट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचे उसे हम कटिंग कर देंगे। और नीचे से ज्वाइंट ऊपर से ज्वाइंट करेंगे तो नीचे के जो पार्ट है फ्रेंड्स आपका कम हो जाएगा। वैसे ही हम दूसरा प्रिंसेस कट को भी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है, उसी तरह हम बैक पार्ट को भी कपड़े पर रखकर सिलाई अटैच करेंगे और गले को बना लेंगे। आपको इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका गला बन जाएगा। आप इसे बुकरम से भी बना सकते हो लेकिन नेट फैब्रिक के इसलिए हमने इसे कपड़े से ही बनाया हुआ है। तो इस पर भी हम अंदर की तरफ से एक सिलाई अटैच करेंगे।
फिर एक ऊपर से भी हम सिलाई अटैच करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई को अटैच कर देंगे। तो इस पर भी हम टॉक्स लगाएंगे। ये टॉक्स हम 1 इंच के रखेंगे और इसका लंबाई हम 4.5 इंच कर देंगे। वैसे ही दूसरा तरफ भी हम टॉक्स को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉक्स लगा लिया। इसे हम बैक ओपन है तो इसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए वन फोल्ड करके हम नेट फैब्रिक को भी ज्वाइन कर देंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हम कटिंग कर देंगे। वैसे ही हम दूसरा तरफ भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिया है और इस पर हम घटाओ पेटी और बढ़ाओ पेटी ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए हमने 2.5 इंच का चौड़ाई का कपड़ा कटिंग किया हुआ है और इस पर हम पहले घटाओ पेटी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए एक सिलाई हम ऊपर से भी अटैच कर देंगे। और इसे अंदर की तरफ से सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए इसे हम बढ़ाओ पेटी ज्वाइंट करेंगे। बढ़ाओ पेटी में भी ऊपर से एक सिलाई अटैच करना है। तो देखिए इसे भी हम दो फोल्ड करके इस पर भी सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए हमने खटाव पेटी और बढ़ाव पेटी ज्वाइंट कर लिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो उसी तरह हम दूसरा भी शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे और जो बाजू है उसे भी हम ज्वाइंट करेंगे। बाजू हमेशा बीच साइड से ही ज्वाइंट करना है। तो ऐसे ही हम बाजू को पूरे में ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए हमने बाजू को ज्वाइंट कर लिया। वैसे हम दूसरा तरफ से बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें डोरी निकाला हुआ है। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे वन फोल्ड करके। तो देखिए 3 हमने ज्वाइंट किया है। वैसे ही हम दूसरा तरफ भी ज्वाइंट करेंगे और इसमें हम डोरी अटैच कर देंगे और इसमें हम लटकन लगाएंगे और फिटिंग के लिए ऊपर से पहले हम एक सिलाई अटैच कर देंगे। आपको पहले सीधे सीधे तरफ सिलाई अटैच करना है। तो देखिए हमने सीधे तरफ दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर दिया है और नीचे हम पट्टी अटैच करेंगे। और इसे भी हम ऊपर से एक सिलाई अटैच करेंगे ताकि जो पट्टी वो फिनिशिंग के साथ है।
तो देखिए इस पर हम सिलाई अटैच कर लिया है, वैसे ही हम इसे अंदर की तरफ से वन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो ऐसे ही हम पूरे में सिलाई वन फोल्ड करके सिलाई अटैच कर देंगे। तो बाजू को मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। पहले देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें बीचों बीच एक मार्क लगा लेंगे, इस तरीके से आपको बिल्कुल सुविधा होगी। और चेस्ट है 32 इंच, तो 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। और कमर है 28 इंच, तो एक मार्क हम 7 इंच पर करेंगे। वैसे ही दूसरी तरफ भी मार्क लगा लेंगे। आपको इस तरीके से फिटिंग देंगे तो बिल्कुल आपको फिटिंग है जो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस पर हम सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्लाउज बनके तैयार हो गया। यदि मेरे वीडियो आप लोग का पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।